Now next we start exercise 1.4. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. आप सबने स्केल यूज किया है जिसे रूलर भी कहते हैं. अगर आप स्केल में देखो 1, 0 से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to 15 centimeter. तो आप देखो 0 to 1 के बीच में स्मॉल 10 डिविजन्स होती हैं. 9 एग्जैक्टली 1, 2, 3, 4 देन 5, 6, 7, 8, 9 और 10th इज 1. स्मॉल डिविजन्स होती हैं. अब मुझे नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करना है नंबर 3.765. अगर मैं इस स्मॉल डिविजन्स को 0 से 1 के बीच में मैंने 0.5 अगर बताना है तो इजिली बता पाऊंगी अगर मुझे डेसिमल के बाद एक डिजिट तक बताना है. लेकिन अब यहाँ पे मुझे डेसिमल के बाद अपटू 3 डिजिट्स तक नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो वो हम बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स स्मॉल स्मॉल डिविजन्स को मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से बड़ा करके देख सकते हैं कि वो नंबर एग्जैक्टली कहाँ लाया करता है. तो बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है 0, 1, 2, 3, 4 कहीं भी तक जा सकते हैं नंबर लाइन. आप इस नंबर लाइन में जो डिविजन्स लोगे वो इक्वल लोगे स्केल की हेल्प से क्योंकि सारी डिविजन्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगी. अब मुझे नंबर फाइंड करना है 3.765. तो ये नंबर किसके बीच में लाया करता है 3 and 4. इसके बीच में मैं 10 स्मॉल डिविजन्स बना रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस नंबर इज 4. ये डिविजन्स इक्वल होनी चाहिए. क्या नाउ अब मुझे नंबर चाहिए 3.765. 3 के बाद जो फर्स्ट डिवीजन होगी अब मैं इसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखूं तो ये मैंने नंबर ड्रॉ किया 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस नंबर इज 4. अब वो स्मॉल डिविजन्स में हमें फाइंड करना नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से नंबर फाइंड किया. 3 के बाद ये नंबर होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 8, 3.9 नेक्स्ट नंबर इज 4.0 दैट इज 4. नाउ मुझे फाइंड करना है 3.765. तो ये नंबर जो लाइ करेगा बिटवीन 3.7 और 3.8 इन दो नंबर्स के बीच में लाइ करेगा. अब अगेन इन दो नंबर्स के बीच में भी 10 स्मॉल डिविजन्स है लेकिन वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही हम इजिली फाइंड नहीं कर पा रहे तो हमने अगेन मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा. मान लीजिए ये नंबर है 3.6 दिस नंबर इज 3.6 देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस नंबर इज 3.7 और 8 के बीच में है सो 3.7 एंड दिस नंबर इज 3.8. अब जो ये स्मॉल डिवीजन होंगी 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, then 3.80. तो अब हमें क्या चाहिए 7.65. तो 7.65 वो नंबर किसके बीच में होगा 3.76 और 77 इसके बीच में अगेन छोटी छोटी सी 10 डिविजन्स होंगी वो अगेन हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे. तो अब ये हमारे पास है 3.76 और यहाँ पे है 3.77 इसके बीच में अगेन 10 डिविजन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 3.77. अब मुझे नंबर फाइंड करना है 3.765 अगेन 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.756, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769
नेक्स्ट नंबर इज 3.770, दैट इज 3.77. मुझे नंबर फाइंड करने 3.765. नाउ दिस इज द नंबर 3.765 ऑन द नंबर लाइन जो कि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से फाइंड किया. आप यहां तक तो 3 और 4 के बीच में 10 डिविजन्स इजिली देख पाओगे, स्केल पे भी देखते हो. लेकिन जब मुझे 3.7 और 3.8 के बीच की 10 डिविजन्स को देखना है, देन वी विल यूज मैग्नीफाइंग ग्लास. तो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें बड़ा दिखाई देगा, जो स्मॉल नंबर्स भी है, स्मॉल लाइंस भी है, तो हमने उन्हें बड़ा बड़ा करके रिप्रेजेंट कर दिया. ये डिस्टेंस जो डिविजन्स का ये इक्वल होना चाहिए. तो अगला नंबर आया 765, तो 76 और 77 इसके बीच में अगेन 10 डिविजन्स होंगी स्मॉल, जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा. तो हमें जो नंबर चाहिए था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, वो हमने कर दिया 3.765. क्लियर?